सीटेट बस एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन उसके बाद भी इसमें अच्छे खासे कैंडिडेट्स हैं जो फेल होते हैं, क्योंकि ऑफन पेपर को वो हल्के में ले लेते हैं। ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप बीएड कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तभी आप सीटेट क्लियर कर लो, क्योंकि आने वाले समय में किस तरह से वैकेंसी आएगी, क्या पैटर्न रहेगा, ये आपको पता नहीं हो रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको मैं लास्ट ईयर सजेस्ट करता था कि भाई 2022 के स्टार्टिंग में जो पेपर हो रहा है सीटेट वाला, उसको दे लो। उन्होंने नहीं दिया कि सर अभी तो हम फर्स्ट ईयर में हैं, क्या दें, वो तो बाद में होगा। हाँ ठीक है, जुलाई में उन्होंने कंप्लीट किया, बिहार में 1.5 लाख टीचरों की वैकेंसी आ गई, नॉट एलिजिबल, क्योंकि वहां सीटेट का रिजल्ट मांग रहा था। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि आप टाइम से उसको देखकर क्लियर भी कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। जब आप अपने बीएड में होते हैं तब आपके पास सबसे ज्यादा सफिशियंट टाइम होता है किसी चीज को प्रिपेयर करने के लिए। एक बार आपका डिग्री कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपके पास प्रिपरेशन के लिए समय नहीं रहेगा, टोटल प्रेशर केवल और केवल जॉब का रहेगा। सीटेट कंप्लीट करने का एडवांटेज ये है, आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो, एडवांटेज ये है कि आप फिर जॉब एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जब आप बीएड सेकेंड ईयर में रहते हो तभी आप स्कूल को अप्रोच कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो प्लेसमेंट वगैरह में ज्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट, सीटेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं किस तरह से कवर होगा। जैसा कि आपको पता है, पेपर 1 क्लास 1 से 5 के लिए होता है, पेपर 2 क्लास 6 से 8 के स्टूडेंट्स के लिए होता है, पेपर 1 का ये पैटर्न फॉलो होता है, पेपर 2 का ये पैटर्न फॉलो होता है। डेली बाइट्स पर जो प्रिपरेशन क्लास होगी उसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कवर करते हैं सेम फी में। क्या हमको सिर्फ 1 से 5 का देना चाहिए और 6 से 8 का हम बाद में देंगे या फिर वो कभी और दे देंगे? नहीं यार, ये आपको साथ साथ देना चाहिए और बहुत इजीली आप दोनों क्लियर कर लोगे एक ही साथ। और जिस दिन पेपर 1 होता है, मान लो तुम्हारा पेपर 1 मॉर्निंग में पड़ेगा, तो उसी दिन शाम को पेपर 2 भी पड़ेगा, तो तुम चाहो तो केवल पेपर 2 भी दे सकते हो। मतलब तुमको लगा कि नहीं, हमको केवल पेपर 2 देना है, पेपर 1 नहीं देना है, तो तुम केवल पेपर 2 दे सकते हो। तुमको पेपर 1 देना है, केवल पेपर 2 नहीं देना है, तो तुम केवल पेपर 1 दे सकते हो। लेकिन राइट आइडिया, राइट अप्रोच और परफेक्ट अप्रोच क्या है कि तुम पेपर 1 पेपर 2 दोनों भरो। एक मॉर्निंग में होगा, इवनिंग में होगा, सेम डे पर होगा, सेम सेंटर पर होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों दो, तुमको कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा उसमें पे नहीं करना पड़ता फॉर्म फिल करते समय, और आप क्लास 1 से 5, 6 से 8 दोनों के लिए एलिजिबल रहते हो। इस बात पर मत जाओ कि हमको सिर्फ प्राइमरी का बनना है, हमको सिर्फ टीजीटी का बनना है। इट इज रियली लिटरली लाइक समझ लो कंपल्सरी है कि दोनों देख के पास किए रहो, तभी बेस्ट है। डेली बैट्स की जो प्रिपरेशन क्लासेस होती है, जैसा कि आपको पता है हम लोगों को क्लास 1 से 1 इंटरेक्टिव मोड में होता है, गूगल मीट पर होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, और डेली बैट्स के सीटेट के बैच में बहुत ही लिमिटेड सीट भी डेली बैट्स पर रखा जाता है। क्यों लिमिटेड रखते हैं वो मैं वीडियो के एंड में बताया हूँ। लेकिन अगर कोई भी ऐसा है, जैसे मान लीजिए डेली बैट्स का प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बहुत फी महंगा है, तो मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ, कहीं भी आप रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो, पहला चीज तो जैसे मान लो, जैसे ये लेक्चर है आप देख रहे हो, आप मेरे से कुछ बोल नहीं सकते हो, आप कमेंट करोगे, मैं अपने हिसाब से रिप्लाई करूंगा जब मुझे रिप्लाई करना होगा। तो डेली बेट्स की जो क्लासेस है ना, वो डेली बेट्स के ऐप पर नहीं चलता है। डेली बेट्स का भी सेम लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूट, डेली बाइट्स का भी ऐप है, तो वी डोंट टेक क्लासेस ऑन आवर ऐप बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीजन, क्योंकि वहां बच्चा माइक ऑन करके डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर पाता और हम बच्चे को ठीक से नहीं समझ पाते हैं कि भाई उसका क्या लेवल है। तो ये रीजन है बेसिक, ठीक है, कि हम लोग क्लासेस रेगुलर बेसिस पर लिंक वगैरह सेंड किया जाता है, नोट्स वगैरह है, क्वेश्चन, मैराथन सीरीज, मॉक टेस्ट, अपडेट। तो होगा क्या ना, तुमको क्लास पकड़ा दिया जाएगा 3,000 में, बाद में तुमको मॉक टेस्ट पकड़ा दिया जाएगा 1,000 रुपए में, नोट्स पकड़ा दिया जाएगा अलग से, तो घूम फिर के वहीं पर सारी बात आ जाएगी जो हम लोग बता रहे हैं। और ये सारा चीज आपको डेली बाइट से फ्री में मिल जाएगा, कोई भी ऐसा बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो कुछ दिन बाद डेली बाइट पर यूट्यूब पर भी अच्छे खासे लेक्चर्स लाइव आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर का पूरा सीरीज आ जाएगा जहां से इजिली आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी का जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो डेली बाइट की वेबसाइट पर बहुत ही लो कॉस्ट पे इजीली अवेलेबल है। तो अगर सिर्फ किसी को प्राइस पॉइंट पर सोचना है, तो वो चीज जो फिर आप 2,000 5,000 में जाके खरीद रहे हो ना, फिर ये मत करो, ये चीज आपको डेली बाइट्स पे फ्री में मिल जाएगा। किसी को ढंग से रिगरस वे में तरीके से क्लास करना है, सीटेट की प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है, कल को सेम सेक्शन मेरे को DSSSB में देखने के लिए मिले, सेम पैडागॉजी का क्वेश्चन, सेम एडुकेशनल साइकोलॉजी का क्वेश्चन मेरे को DSSSB KVS के एग्जाम में देखने के लिए मिले, तो वहां भी मेरा रिजल्ट फ्रूटफुल रहे, तो उसके लिए श्योर शॉट आप डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, वी एश्योर यू 100% गारंटी के साथ कि आपका सिलेक्शन हम कराएंगे, इन केस नहीं होगा तो वापस कैंडिडेट को हम प्रिपेयर कराएंगे। डेली बैट्स के सीटेट की क्लासेस का आप फीडबैक ले सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, सीटेट टेस्ट न्यूज अपडेट करके प्लेलिस्ट होगा, ये वाला वीडियो लेक्चर होगा, जो भी प्रीवियसली डेली बैट्स के स्टूडेंट्स पढ़े हैं उनका फीडबैक ले सकते हो। पेपर 1 का जो फी है वो 4,999 है, जो पेपर 2 का फी है
999 है, और दोनों साथ में लेने पर फी मल्टीपल टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। सिर्फ 699 में आप पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए ज्वाइन कर सकते हो डेली बाइट्स पर। 30% स्ट्रेट ऑफ है, जितने भी डेली बाइट्स एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, बैच स्टूडेंट है या कोई न्यू कैंडिडेट भी ज्वाइन कर रहा है, सबके लिए स्ट्रेट 30% ऑफ है। 499, 499 की जगह आप केवल केवल 699 पे करना है पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए। दोनों ही पेपर वन पेपर टू इस बैच में पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट तरीके से सारा कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मैथ एंड साइंस है, सोशल साइंस है, कुछ बच्चे मैथ साइंस चूज करते हैं, कुछ बच्चे सोशल साइंस चूज करते हैं, तो इसमें केवल और केवल पैडागॉजी वाला एरिया कवर किया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट वाले एरिया में सच कुछ करना नहीं होता, बहुत बेसिक सी बात होती है उसमें। तो इसमें सारा का सारा जो भी पैडागॉजी वाला एरिया है वो पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा। फी 699 है और बैच आपका शुरू होगा ऑलमोस्ट 30 अगस्त से, और क्लासेस चलेंगी लगभग 10 नवंबर तक। 2 से 3 महीने का बैच होगा। एग्जाम्स आपके मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2023 में हो जाएंगे, या फिर किसी कारणवश अगर जैसे मान लो लास्ट ईयर कोविड वगैरह था, बहुत तरह और तरह के इश्यूज थे, तो जून में किया गया था। अदरवाइज सीटेट के पेपर साल में 2 बार होता है और दिसंबर 2023 में इसका पेपर होगा। ऑफलाइन मोड में होगा पेपर, ध्यान दीजिएगा। सीटेट का पेपर हमेशा ऑफलाइन होता था, बीच में कुछ दिन इनको जो भी लगा हो, 2 बार एग्जाम ऑनलाइन हुआ है, उसके बाद से फिर सीटेट का पेपर ऑफलाइन मोड में ही होगा। और दिसंबर 2023 वाला पेपर भी मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई भी नोटिस आके चेंज नहीं होता तो पेपर आपका ऑफलाइन मोड में ही होगा, पेन एंड पेपर मोड में ही होगा। लेकिन फी में 30% ऑफ है, बात यहीं पर नहीं खत्म हो रही है। जो भी प्रीवियसली डेली बाइट्स के मेंबर्स रहे हैं, जो भी प्रीवियसली डेली बाइट्स के बैच स्टूडेंट्स रहे हैं, किसी भी प्रकार की उन्होंने मेंबरशिप ली थी, किसी भी प्रकार के डेली बाइट्स के बैच में थे, उन सभी कैंडिडेट्स को इस प्रिपरेशन क्लास में पेपर वन और पेपर टू दोनों के फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। आई रिपीट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जो भी डेली बैच के एग्जिस्टिंग मेंबर रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं, किसी भी प्रकार के बैच में रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को पेपर वन और पेपर टू का मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बाइट्स की वेबसाइट पर प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसा कि पता है, सभी कैंडिडेट्स को पेपर टू में कोई एक सब्जेक्ट चूज करना रहता है, चाहे आप किसी भी पेडागॉजी को हो, या तो आप सोशल साइंस चूज करोगे या तो आप साइंस चूज करोगे, दो ही ऑप्शन है। तो सभी कैंडिडेट्स को सोशल साइंस और साइंस का भी मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन जो भी आप पेपर टू में सेलेक्ट करते हो, उसी हिसाब से आपको मॉक टेस्ट डेली बाइट्स के वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स डेली बाइट्स के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट रहे हैं, प्रिपरेशन क्लासेस में रहे हैं, और एक जो गारंटी डेली बाइट्स पर दिया जा रहा है 100% एश्योर्ड सिलेक्शन का, कि जो भी हमारे इस फुल लेंथ बैच में है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये डेली बाइट्स का फुल लेंथ बैच है, जहां पर शुरू से अंत तक क्लासेस में हर चीज बहुत डिटेल में होलिस्टिक तरीके से प्रिपेयर कराया जाएगा, इस हिसाब से कि आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब में भी बेनिफिट दे। इट इज नॉट जस्ट कि सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, 150 में किस तरह 90 नंबर पा गए, पास हो गए, गिरते पड़ते कि मतलब बस हो गया, उस तरह के कंडीशन में ये क्लास नहीं कराया जाएगा। बहुत ढंग से क्लास, बहुत एक लॉन्ग विजन के साथ यहाँ पर इस क्लास में सब कुछ होगा। तो पॉइंट क्या है कि 100% एश्योर्ड सिलेक्शन की हम गारंटी देते हैं। अगर कोई कैंडिडेट नहीं सेलेक्ट हो पाएगा तो दिल्ली बाइट्स उसको दोबारा फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा। हाँ, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए 2-3 टर्म कंडीशन है, बहुत ही सिंपल सा टर्म कंडीशन है, कोई ऐसा टर्म कंडीशन नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ है जो तुमको लगे कि अच्छा अच्छा फंसाने वाली बात है ये वो, कुछ नहीं। पहला चीज तो स्टूडेंट को एग्जाम देना है। लास्ट ईयर हमारे फुल लेंथ वाले बैच में लिमिटेड सीट हमने रखी थी सिर्फ 30, तो हुआ क्या था कि 30 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 3 ऐसे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसमें एक महान आत्मा ने ऐसा था जिसने पेपर नहीं दिया था, उसके बाद भी आगे कहने लगे सर हमको रिज्वाइन करा दीजिए। तो देखो यहाँ टर्म कंडीशन दे दिया गया कि पहला चीज तो तुमको एग्जाम देना जरूरी है। दूसरा क्या जरूरी है कि भाई क्लास भी आते हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे, पता चलेगा क्लास रेगुलरली नहीं आएंगे, तो क्लास में रिमझिम मैम अटेंडेंस वगैरह सब कुछ लेते हैं, तो 90% आपका अटेंडेंस होना चाहिए, क्लास भी आपको करना है। और दिल्ली बैच की तरफ से जो भी मॉक टेस्ट वगैरह मिलेगा आपने पूरा प्रैक्टिस कर रखा है। तो देखो यहाँ पर 100% मैंने नहीं लिखा है जानबूझे कि ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अच्छा बस ऐसे ही कर दिया गया है, करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि एक दो एबसेंट हो जाता है कहीं ना कहीं किसी भी कैंडिडेट का। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 90% अटेंडेंस आपका मिनिमम होना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा है किसी कारण से उसका क्लास एब्सेंट हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाता है, तो भी आपको क्लास के रिकॉर्डिंग 24 to 48 hours के अंदर आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्लासेज अगर आप किसी कारण से मिस हो गए तो डोंट वरी, क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। सीटेट 1-to-1 इंटरेक्शन बैच का एक
जो तमाम जो बेस्ट फीचर्स हैं, सबसे पहले तो गूगल मीट पे क्लास होती है, इजीली टीचर के साथ सीधा माइक ऑन किया, बात कर लिया, लाइक एकदम वन टू वन वे में इंटरेक्शन होता है, डाउट क्लियरेंस इमीडिएट बेसिस पर है। और हाँ, डेली बेट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में केवल तुम टीचर को नहीं जानोगे, टीचर भी तुमको शक्ल और नाम दोनों से जानता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। प्रैक्टिस करने के लिए क्लास के बीच में टीचर्स आपको कुछ कुछ कभी कभी प्रैक्टिस शीट भी देते रहेंगे। फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, 30+ मॉक टेस्ट होगा। इसमें पेपर वन का अच्छा खासा मान के चलिए कि आप 15 से 16 पेपर वन के मॉक टेस्ट होंगे, 7-8 साइंस वाले बच्चों के लिए पेपर टू का होगा, 7-8 सोशल साइंस वाले बच्चे का होगा। जो भी आप चूज करना चाहो, किसी भी पेडागॉजी के हो, साइंस सोशल साइंस, जो सभी आप चूज करोगे, आपको उसी हिसाब से मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स पीडीएफ वगैरह भी आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, रिकैपिटुलेशन भी कराया जाता है क्लास में, मोटिवेशन फीडबैक सेशंस बैक टू बैक मेरे होते रहते हैं, क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलते हैं रिवीजन के लिए। आपके एग्जाम तक बैच का जो टाइमिंग है वो क्या है, क्लास बिगिन होगा 30 अगस्त से, टारगेट क्या है सीटेट दिसंबर 2023, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दिसंबर 2023 में कोई एक फिक्स डेट पड़ेगा, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होगा, पहले की तरह ऑनलाइन नहीं होगा कि पूरा महीना भर चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि एग्जैक्ट डेट क्या है। एग्जैक्ट डेट आ जाएगा दिसंबर 2023 में ही, आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। जो लेक्चर का टाइम है रोज 2 घंटे रहेगा, 9 PM से 10:55 PM। मंडे को कंपलसरी छुट्टी है और फ्राइडे को भी एक दिन एक्स्ट्रा सीटेट की प्रिपरेशन क्लासेस में होता है, क्योंकि जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे होते हैं कॉलेज वॉलेज भी जा रहे होते हैं, तो कॉलेज में भी धीरे धीरे जैसे समय बीतता है बीएड में अच्छा खासा वो लोग आपको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो हफ्ते में 2 दिन ब्रेक की जरूरत होती है, कॉलेज वॉलेज का भी बहुत अच्छा काम होता है, तो उसी हिसाब से टाइम टेबल डिजाइन किया गया कि मंडे कंपलसरी छुट्टी है और फ्राइडे भी छुट्टी है। इसीलिए आपका छुट्टी वीकेंड्स में नहीं रखा गया, क्योंकि आपका कॉलेज सैटरडे संडे को बंद रहेगा, हम मंडे फ्राइडे को बंद कर देंगे, तो आपको थोड़ी सहूलियत रहेगी। तो टाइम टेबल बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में डिजाइन किया गया है। बैचेस की जो प्रिपरेशन क्लासेस है, लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, सभी पीपीटीज और सब कुछ टीचर कवर कराते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है, तो क्लासेस डेली बैच की प्रिपरेशन की एकदम बाइलिंगुअल है, वहां पर आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो 6999 का फी है, इजिली आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 3999 का देना है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3000 का देना है। हाईली रिकमेंडेड रहेगा कि आप वन टाइम पेमेंट ही करो 6999 का। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो रिसेंटली बीएड वगैरह में ज्वाइन किया है, किसी के पास फी वगैरह का इशू है, एक बार आप व्हाट्सएप हैंडलर को बता देना, वो आपको जब पेमेंट का लिंक सेंड करेंगे तो आप बोल देना कि मतलब आपका कुछ, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट एक्सट्रीम केस में जिसको कुछ इशू हो, तो एक मिनिमम बेसिक अमाउंट वो बता देंगी, आप पे करके रजिस्टर कर लेना, बाकी का वो आपको इंस्टॉलमेंट का अलग डेडलाइन दे देंगी। अदरवाइज स्टैंडर्ड इंस्टॉलमेंट यही फॉलो करना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 3999 देना है, सेकंड 3000। कोशिश करिएगा कि वन टाइम पेमेंट ही कर दें। क्लासेस वन टू वन इंटरेक्टिव वे में होंगे, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी डाउट क्वेश्चंस तुरंत का तुरंत क्लियर होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट प्री एंड पोस्ट लेक्चर्स आपको दिया जाता है, जैसी आवश्यकता पड़ती है डिपेंडिंग ऑन फैकल्टी टू फैकल्टी, टॉपिक टू टॉपिक वो लोग आपको देते रहते हैं। कोई होमवर्क नहीं दिया जाता, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है केवल और केवल उतना कर लो, पर्याप्त है। श्योर शॉट आराम से 120 से 130+ पाके इजिली सेलेक्ट हो जाओगे। ध्यान दीजिएगा, वी डोंट प्रोवाइड वीडियो लेक्चर्स। मैं अगेन रिपीट कर दूं, कोई बच्चा जो पहली बार ज्वाइन कर रहा है, हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्लासेस टीचर के साथ आपको गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स किसी एक जगह आपको लिंक सेंड किया जाएगा आपके ग्रुप में, रेगुलर बेसिस पर आप ज्वाइन करोगे। व्हाट अबाउट लैंग्वेज 1 एंड 2? लैंग्वेज में केवल और केवल हम पेडागॉजी एरिया कवर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पेडागॉजी एरिया ही मेन होता है, कंटेंट मैसेज कुछ सीखने के लिए नहीं है, पेडागॉजी पूरा का पूरा कवर होगा, इंग्लिश का पेडागॉजी हो चाहे हिंदी का पेडागॉजी हो, आप कोई सा पेपर वन चूज करो, कोई सा पेपर टू चूज करो, लैंग्वेज में वो सब कुछ कवर कराया जाएगा। ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस प्रिपरेशन क्लास वाला, इस हिसाब से सीडीपी वगैरह प्रिपेयर कराया जाता है, लेवल थोड़ा सा हम लोग हाई रखते हैं, सिलेक्शन के आपकी गारंटी लेते हैं। दूसरा होता है क्या, केवीएस, एनवीएस, पीएचडी, डिग्री पॉलिस भी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर का पूरा एक सेक्शन ही आता है जहां पर सारा ये 200 मार्क्स में पेडागॉजी वाला एरिया पूछा जाता है, पीजीटी में, टीजीटी में 100 नंबर का पूछा जाता है, तो पता है उसको प्रिपेयर करने के लिए तुम्हारे लिए कोई अलग सा दिन नहीं आएगा। जब तुम सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तभी ढंग से प्रिपेयर करो कि यहाँ पर 130+ आए, जिस दिन DSSB का पेपर दो वो 100 नंबर वाला सेक्शन तुमको अलग से कोई बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, वहां तुम्हें उसका एडवांटेज डायरेक्टली देखने के लिए मिलेगा। ये देख लीजिए गूगल मीट पर जिस तरह से स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेम आप वे में इंटरेक्ट कर पाओगे। इट विल नॉट जस्ट वे कि मतलब आप टीचर को जान रहे हो और टीचर आपको नहीं जान रहे, ऐसा डेली बैच पर आपको देखने के लिए नहीं है। विल इट मेक मी जॉब रेडी? यस, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम सभी प्रिपरेशन के फाउंडेशन है, कोई सा भी टीचिंग जॉब का एग्जाम है।
और इवन प्राइवेट में भी सीटेट कंपलसरी है। कोई भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब आप देख रहे हो दे रहे हो, वहां पर आपका कंसेप्ट जो है हमेशा कंटेंट पर भारी होना चाहिए, और डेली बैठ से जो प्रिपरेशन क्लासेस हैं कंसेप्ट क्लैरिटी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ ये नोट ले लो, ये वीडियो लेक्चर ले लो, बस ऐप में इकट्ठा होते जा रहा, भरते जा रहा, देख तुम रहे नहीं हो, बस ऑफलाइन मोड में यूट्यूब पे सर्च करते जा रहे हो, देख तुम रहे नहीं हो। बेहतर क्या होता है कि लाइव बैक टू बैक टीचर के साथ ज्वाइन किया, कंप्लीट किया, कंसेप्ट को बिल्ड किया, फ्यूचर में कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो वहां पर ज्यादा आपको एडवांटेज मिल रहा है। कंटेंट शुड प्ले अ सपोर्टिंग रोल टू कंसेप्ट, इट शुड नॉट बी सेंटर स्टेज। क्वालिटी ज्यादा ऊपर होनी चाहिए क्वांटिटी से, बहुत ज्यादा क्वांटिटी अगर तुम ले लोगे, क्योंकि ऑनलाइन सीटेट में क्या ना भर भर के क्वांटिटी अवेलेबल, लेकिन उस क्वांटिटी का मतलब तुम्हारे लिए यूज नहीं है। तुम्हें तो एक मिनिमम बेसिक क्वालिटी चाहिए जिससे तुम्हारा काम हो जाए, इंस्टेंट की खूब सारा कॉन्टेंट अवेलेबल है, बस देख के इसी बात में खुश हो रहे हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिस मेक्स यू नो मैन परफेक्ट, तो डेली बाइट्स पर ना मॉक टेस्ट भी आपको अर्लीस्ट पॉसिबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सो दैट जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो आपका उस पर कॉम्पिटेंस, एथिक्स, नॉलेज, ये सब चीज ज्यादा अच्छा इवेल्यूएट हो, परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहे, डिवेलपमेंट अच्छा रहे, ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है वो चीज अच्छा रहे, और इजिली आपका सिलेक्शन हो पाए, और अर्लीस्ट पॉसिबल किसी स्कूल में आप एज अ टीचर लैंड कर सको, एंड दिस बैच इज गोइंग टू बी द बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी। डेली बाइट्स की टीचर एडुकेशन के बहुत सारे सेमिनार मीट भी होते हैं, बहुत जल्द नेक्स्ट सेमिनार मीट भी कंडक्ट होने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एडुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, और बहुत सारे वेबिनार मीट भी होते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और तो अब देख लेते हैं कि प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए करना क्या है। डीबी सीटेट बैच, ये कोड लिख करके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। कोई भी कैंडिडेट जो पहली बार डेली बैच को ज्वाइन कर रहा होगा वो थोड़ा रेस्टलेस हो जाते हैं पेमेंट वगैरह करने के बाद, जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है उनका तो उनको पूरा भरोसा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो न्यू कैंडिडेट से ध्यान रखो, जब ये तुम कोड लिख कर सेंड करते हो 24 to 48 hours का वेट करना, पेमेंट सेटलमेंट के लिए भी 24 to 48 hours का वेट करना, आपका पेमेंट बिल्कुल सेफ है। ये कोड लिख कर इस पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप हैंडल पेमेंट का लिंक भेजेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, बाकी का सारा कुछ फर्दर प्रोसेस हमारा है, सब कुछ पेमेंट वगैरह सेटल करके 24 to 48 hours में कंफर्म किया जाएगा। आप बस निश्चिंत रहना कि आपने पेमेंट किया तो योर पेमेंट इज फुल्ली सेफ, और प्रिपरेशन भी आपको जो चीज जैसा बोला गया है लाइन बाय लाइन वैसा ही कराया जाएगा, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। बस ये कोड लिख करके इस नंबर पर सेंड करना है, 24 to 48 hours का वेट करना है, और पेमेंट सेटलमेंट के लिए भी 24 to 48 hours का वेट करना है, योर पेमेंट इज फुल्ली सेफ, और ओवरऑल जो कुछ भी मैंने इस वीडियो लेक्चर में बताया सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही फॉलो होगा। डेली बाइट्स सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।